हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 34 प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसमें काफ़ी मिस्टेक होने की वजह से ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ और पिछला वीडियो मैं हटा दूँगी। तो अगर अगर आपको सारे प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट बने हैं, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस प्रैक्टिस सेट में कुल 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये 34 जो आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं मैं ये दोबारा अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि पिछला जो 34 मैंने कल अपलोड किया था उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थे, जिसकी वजह से मुझे आज फिर से ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, अभी पिछले कुछ समय पहले कहाँ पर एक अश्मिकृत शिशु कपाल प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था ओ दे, यानी 4 नंबर इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस स्थल पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं ये हो जाएगा आदमगढ़ से, फिर आपका हो जाएगा बागौर से, और फिर लोटेश्वर से। ये 3 करेक्ट होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राह का टीला हो जाएगा उतनूर से, अयग पट्ट हो जाएगा मथुरा से, फिर एकादश मुखी बोधिसत्व ये हो जाएगा कन्हेरी से, और फिर प्रस्तर मंजूषाएं हो जाएगा सांची से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें निम्न में से किससे बनी है? तो ये बनी है सेल खड़ी हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अश्वपति हो जाएंगे कैकई से, परिचित हो जाएंगे कुरु से, और निचच्छु हो जाएंगे वत्स यानी 4 नंबर से, प्रधोत महासेन हो जाएंगे आवंती से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृत भांड का प्रमाण मिला था? तो ये प्रमाण जो मिला था ये हो जाएगा अहिछत्र से, 1 नंबर इसमें हमारा करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख नंबर 1 पे, फिर हो जाएगा डेरियस का पोलिस अभिलेख 2 नंबर पे, इसके बाद डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख 3 नंबर पे, और हक मनी राजधानी पेरीपोलिस का जलना 4 नंबर। तो इस तरह से आप क्रम में लगा लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय व्याकरणचार्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो इसे क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा यास्क, फिर पारणी, फिर अष्टाध्यायी, और सबसे लास्ट में वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। करेक्ट है। फिर इसका कारण है, अशोक महान की एक पुत्री ने वहां पर अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर बनेगा AR दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्लासिकी लेखकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हो जाएंगे एरियन, फिर स्ट्रॉम्बे, और फिर हो जाएंगे प्लीनी, और लास्ट में टॉलेमी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे
उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्न अनुसार करना है, तो इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा ओसीपी काल, ओसीपी पहले होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा पीजीडब्ल्यू, ये हो जाएगा एक मिनट, ये टू नंबर पे। इसके बाद हम रख सकते हैं पीबी मृदभांड काल, थ्री नंबर पे, लास्ट में कुषाण काल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभिलेखों के निम्नलिखित लेखों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आ जाएंगे हरि सेन, इसके बाद हम रखेंगे वीर सेन को, इसके बाद रखेंगे वत्स भट्टी को, और सबसे लास्ट में रवि कीर्ति को। तो इस तरह से क्रम आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन पांड्यों के प्रमुख पत्नन थे, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो जो पांड्यों के थे ये हो जाएगा कोरो कै, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मधुरी। तो आप करेक्ट कर लीजिए अगर आपने कल वीडियो देखा है तो। आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभिलेखित कथनों के अनुसार निम्न में से कौन से शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे। तो इसका तो आंसर था अशोक, एक तो अशोक हो जाएगा, फिर खारवेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल दिग्विजय के अभियान पर निकल पड़े, तो ये करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है, खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्वी पंजाब का इंडो यूनानी शासक दिमित मथुरा खीसक गया, जहां से खारवेल को चुनौती देने की उसकी योजना थी। ये गलत है, इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर बनेगा ए सही और आर गलत, थर्ड नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस नरेश ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था। तो ये जो संपादन करने वाले थे, एक तो प्रवर सेन थे, दूसरे हो जाएंगे शांत मूलक प्रथम, यानी थर्ड नंबर इसमें हमारा वन और थर्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17। आंध्र प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्न में से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है धरनी कोट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। कथन ए है, गुजरात के शक छत्रप राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड की सबसे बड़ी सफलता थी। तो ये करेक्ट है। फिर कारण दे रहा है, इसे भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश करने का मार्ग मिल गया होगा। ये भी करेक्ट होगा। तुम्हारा आंसर बनने का ए आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1919। हूड़ों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए। तो कौन कौन से सिक्के प्रचलित किए थे, ये हो जाएगा रजत और ताम्र। इसमें मैंने पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गई है, रजत और इसमें ताम्र हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित खगोल विदों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले होंगे ब्रह्मगुप्त, फिर हो जाएंगे आर्यभट्ट, और फिर हम लगाएंगे भास्कराचार्य को, और फिर आ जाएंगे भट्टोत्पल, मतलब फोर नंबर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन इष्टिका मंदिर है, इष्टिका मंदिर पूछ रहा है। तो इसमें जो इष्टिका मंदिर होगा वो हो जाएगा पहला वाला दिनाजपुर का बेलग्राम मंदिर, फिर वर्धमान पश्चिम बंगाल का सतदेउलिया मंदिर, और तीसरा भी हो जाएगा बहुलारा बांकुरा पश्चिम बंगाल का
सिद्धेश्वर मंदिर, और भुवनेश्वर का ये नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, देलवाड़ा का विमल मंदिर निम्न में एक को समर्पित है, तो किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है आदिनाथ को। क्वेश्चन नंबर 23, गंगेय देव कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार के सिक्के का निम्न में से किस शासक ने अनुकरण किया, तो जो अनुकरण करने वाले थे वे हो जाएंगे गोविंद चंद्र गहड़वाल और उदयादित्य परमार, ये दो लोग थे जिन्होंने लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का नकल किया था। क्वेश्चन नंबर 24, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य में प्रलयकारी बाढ़ से बचने के लिए वितिस्ता नदी पर बांध बनाया था, तो ये थे अवंती वर्मन। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कथन और कारण का क्वेश्चन है। सबसे पहले हेमचंद्र रचित 12वीं सदी की विलक्षण रचना कुमार पाल चरित एक लंबा काव्य है जिसमें गुजरात के चालुक्य राजाओं का विवरण है, करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है, इसमें संस्कृत और प्राकृत व्याकरण के नियमों के उदाहरण मिलते हैं, करेक्ट है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा ये दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आगे क्या क्वेश्चन मैं कल वीडियो में लाऊंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।